हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन साइकोलॉजी के डे नंबर 8 में। हम 15 क्वेश्चन लगाने वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चन फैक्चुअल बेस्ड, मतलब एक जैसे हम नहीं बोलते, हर एग्जाम में आपने देखा होगा कि ये तो रटने वाला क्वेश्चन था, इसमें तो तुक्का मारना पड़ रहा था भाई, ऐसा क्वेश्चन हमें क्या पता ये डेफिनेशन किसने दी थी। ऐसे आपके पास 15 क्वेश्चन रहेंगे और ऐसा नहीं है कि ये रेंडम क्वेश्चन उठाए गए हैं, ये अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। डे नंबर 1 से लेकर डे नंबर 7 तक के आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगा खुद से, अपने आप से। मैं नहीं कह रहा, तुम खुद ट्राई कर सकते हो, पहले 2-3 लेक्चर ही देख के आपको पता चले जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, आप पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हो इसलिए आपसे एडोलेसेंस मतलब किशोरावस्था से पूछने का ज्यादा चांसेस रहेगा। तो पहला सबसे ये कहता है कि किशोरावस्था सभी के लिए एक समस्या होती है, एडोलेसेंस इज ए प्रॉब्लम फॉर सेल्फ, खुद के लिए ही समस्या है, ये स्टेटमेंट किसने कहा था? क्या किलपैट्रिक ने कहा था, वर्ले ने कहा था, कॉल्सनिक ने कहा था, हरलोक ने कहा था? तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था? और एक आप 15 में से कितने आपके ठीक होते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको सेशन पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा हरलोक ने, याद ही रखना पड़ेगा कि किशोरावस्था सभी के लिए एक समस्या है, ये स्टेटमेंट किसका था? हरलोक का। कॉल्सनिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कोल, प्री एडोलेसेंस पीरियड फॉर गर्ल्स, कोल ने किसको माना है एडोलेसेंस के लिए? गर्ल्स के अंदर जो प्री एडोलेसेंस मतलब किशोरावस्था से पहले का जो समय है, पूर्व किशोरावस्था का समय कौन सा ईयर माना गया? 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16। तो आपने अपना आंसर दे लिया होगा, आप वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो, ताकि मैं ज्यादा जल्दी जल्दी आंसर बता रहा हूं ताकि ज्यादा वीडियो लेंथी ना हो और आपका टाइम खराब ना हो। 11 से 12 इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा 11 से 12, कोल ने प्री एडोलेसेंस पीरियड माना, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये कोल ने कहा है तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसका स्टेटमेंट है कि किशोरावस्था इज ए पीरियड ऑफ ए पीरियड विच ए ग्रोइंग पर्सन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी, मतलब बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर, बाल्यावस्था से परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी की तरफ क्या है, संक्रमण है एडोलेसेंस, मतलब पहले आप बाल्यावस्था में थे फिर आप मैच्योर हो रहे हो, तो बीच का अवस्था, ग्रोइंग पर्सन, ये किसने कहा था? ये स्टेटमेंट है और ये PYQ भी है, और ये कहा था जर्सील्ड ने। किसने कहा था? जर्सील्ड ने। याद रखना है दोस्तों, एडोलेसेंस की तो कोई डेफिनेशन आपको छोड़नी ही नहीं है, और आप अगर सारे लेक्चर देखोगे एग्जाम तक आपको इतना कंटेंट दे दिया जाएगा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा क्वेश्चन से कि मैं कर लूंगा क्वेश्चन, एक कॉन्फिडेंस ही होता है जो एग्जाम क्लियर करवाता है हमेशा के लिए, ठीक है। आप पढ़ कितना भी लो, अगर आपने क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, थ्योरी सबने पढ़ रखी होती है। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, कॉल्सनिक का नाम अभी तुमने थोड़ी देर पहले ऑप्शन के अंदर देखा था। अकॉर्डिंग टू कॉल्सनिक द एज रेंज फॉर एडोलेसेंस, एडोलेसेंस के लिए कॉल्सनिक ने क्या रेंज मानी है? अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग माना है, कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आए हुए हम वही करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 से 15। क्या आएगा? 12 से 15। कॉल्सनिक ने क्या माना है? 12 से 15 को क्या माना है? किशोरावस्था का काल है माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। Who introduced first the question answer method for the cognitive development of learner? अधिगमकर्ता के ज्ञानात्मक विकास हेतु प्रश्नोत्तर पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए ये क्वेश्चन जो हम वो लर्निंग मेथड में कुछ पढ़ते हैं टेक्निक्स, उनके अंदर आता है, तो इसका आंसर रहेगा सुकरात। किसने क्या रहेगा? सुकरात। ऐसे याद रख लेना, सुकर है तुमने क्या किया, ये क्वेश्चन आंसर है, ऑब्जेक्टिव कर दिए, पर HPSC ने तो सब्जेक्टिव कर दिया, क्या कर सकते हैं। चलिए आगे, सेंसरी एक्यूटी पीक ड्यूरिंग ए पर्सन, सेंसेस जो है व्यक्ति के संवेदी तक्षिणा का शिखर बिल्कुल पीक लेवल पे कब होता है सेंसेस का? क्या 20s की एज में होता है, क्या 60s की एज में, या 40s में, या हर एज में ही सेंसेस एक जैसे ही काम करते हैं? अगर हम मुझे एग्जैक्ट आंसर यहां से पिक करना हो तो मुझे पता है सेंसेस 60s में तो काम कम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, 40s में थोड़ा उससे ठीक होते हैं, 20s में बेस्ट काम कर रहे होते हैं, अपने पीक पे होते हैं, ठीक है। सेंसेस एक्यूटी पीक ड्यूरिंग ए पर्सन 20s के में। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों अगर पसंद आ रहा हो सेशन, और ये आज के सेशन में मैं कुछ मतलब एक्सप्लेन करने वाला कुछ है नहीं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि कुछ भी याद करने का है पूरे के पूरे क्वेश्चन, ताकि ऐसे क्वेश्चन देखकर आप खुद से अगर एग्जाम, यहाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने पढ़ रखे होंगे, जैसे ये वाला है शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह या फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी किसको कहा जाता है? ईएल थॉर्नडाइक को कहा जाता है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। देखिए आपके 15 में से मैं मान के चलता हूं 12 या 13 क्वेश्चन, 12 मान लीजिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि 12 क्वेश्चन तो आपके ठीक होने चाहिए, 3 क्वेश्चन ऐसे डेफिनेशन जो आपको ना पता हो, या 11 मान सकते हो क्योंकि डेफिनेशन ज्यादा, रटने वाले क्वेश्चन ज्यादा है, और अगर आप 12 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं तो दी बेस्ट है। गोलमेन के बारे में हम लगातार पढ़ रहे हैं, डे फर्स्ट से ही किसी ना वीडियो ना किसी किसी ना किसी लेक्चर के अंदर गोलमेन के बारे में आ रहा है। एजुकेशन जो इमोशनल
इंटेलिजेंस की बुक थी वो डेनियल गोलमैन ने दी थी। इन्होंने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू गोलमैन द बुक ऑन एजुकेशन इमोशनल इंटेलिजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग इमोशंस इंटेलिजेंस इज करेक्ट। कौन सा है, इमोशनल इंटेलिजेंस कम होता है, ये कहता है ई आई क्या होता है, कम होता है आई क्यू से। दूसरा कहता है मोर होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस आई क्यू से ज्यादा होता है। तीसरे में इक्वल है और उनका कोई डिफरेंट कंसेप्ट है दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, जो डेनियल गोलमैन है उन्होंने माना था इमोशनल इंटेलिजेंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मोर पावरफुल है देन आईक्यू, आईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस। मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हु सेज दैट लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू द एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। जो हमारी लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन, लर्निंग से क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है किसमें, बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में उनमें अधिगम क्या कहलाता है, ये किसकी परिभाषा है, लर्निंग अधिगम से लेकर ये है गेट्स एंड अदर की, गेट्स एंड अदर की। डायरेक्ट याद रख लेना, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, मतलब बिहेवियर में चेंज एक्सपीरियंस और लर्निंग से आता है, ये बात कौन कहता है, गेट्स एंड अदर। मेंटल हेल्थ का क्वेश्चन इसलिए ज्यादा आता है क्योंकि जो एडोलेसेंस पीरियड होता है उसमें सबसे ज्यादा आपने देखा होगा, स्टेनले हॉल ने भी कहा है कि ये तूफान की अवस्था होती है इस टाइप से, ठीक है, तो सबसे ज्यादा मतलब एक अनस्टेबिलिटी की स्टेट होती है, तो करके मेंटल हेल्थ इज ए सेट ऑफ कंडीशन विच इनेबल ए पर्सन टू लाइव एट ए पीस विद हिमसेल्फ एंड अदर। जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है, विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को सभ्य और दूसरे के साथ शांति से रहने के योग्य बनाता है, ये किसने कहा था, देखिए अगर हम बात करें ना कि अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही है तो हम खुद भी सही रहेंगे और दूसरे के साथ रिलेशन भी अपने अच्छे रहेंगे, चिड़चिड़ेपन सा नहीं होगा। अगर तो मानसिक अगर आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो आपको कोई रबड़ प्यार से बोलेगा ना तो भी आप उससे चिढ़कर बात करोगे, ये बात किसने कही है, कोल्सनिक ने। कोल्सनिक तीन ऑप्शन, दो क्वेश्चन कोल्सनिक पे आ चुके हैं, एक कोल पे आ चुका है, ठीक है, तो याद रखने, साइंटिस्ट काफी इंपोर्टेंट, जो ये वाले साइकोलॉजिस्ट है काफी इंपोर्टेंट है, बहुत ही सा क्वेश्चन है, व्यवहारवाद के प्रवर्तक, मैं तो क्या ही बताऊं, तुम खुद ही बता दोगे, जेबी वॉटसन है इसके बारे में, ठीक है। अब ये वाला कम्युनिकेशन के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, हर चैप्टर हर मतलब वीडियो के अंदर अपना कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, एक कम्युनिकेशन हुआ, एक गाइडेंस हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है आपको बताया फिर से, किशोरावस्था में बच्चे को गाइड करना, उसके साथ कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि वो अपने मार्ग से क्या ना हो, डाइवर्ट ना हो। कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ आइडियाज फीलिंग इन द मूड ऑफ म्यूचुअलिटी। हु सेज दैट, संचार कम्युनिकेशन पारस्परिकता के मूड में विचारों और भावनाओं को साझा करता है, यह किसने कहा है, यह कहा है एडगर डेल ने। देखिए दोस्तों, हमने लास्ट टाइम देखा था कि कम्युनिकेशन एक स्टैटिक है या डायनेमिक है, आप लगातार देख रहे हो तो आपको ये आधी चीजें तो नाम देखते ही ऐसा लगता है कि हाँ हमने पढ़ रखा हो, वो क्वेश्चन आप पूरा नहीं पढ़ोगे फिर भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये हमने चीजें पढ़ रखी है। अगला देखिए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट कवर ऑल द आउटडोर फैक्टर्स दैट हैव एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल सिंस ही बिगन लाइफ इज ए स्टेटमेंट गिवन बाय। वातावरण में वह बाहरे सब बाहरे तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति के जीवन में जीवन आरंभ करते करने के समय से प्रभावित किया है, वह सभी फैक्टर जो ह्यूमन बीइंग के जीवन को इफेक्ट करते हैं जन्म से लेकर। तो ये किसने कहा है, वुडवर्थ ने, किसने कहा है, वुडवर्थ ने। मेरे ख्याल में आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। टीचिंग मीन्स अरेंजिंग कंडीशन ऑफ लर्निंग दैट आर एक्सटर्नल टू द लर्नर। शिक्षण का तात्पर्य क्या है, अधिगम की दिशा में, अधिगम की दिशा को व्यवस्थित करना और अधिगमकर्ता की बाह्यता से संबंधित है, यह कथन किसका है। टीचिंग मीन्स अरेंजिंग द कंडीशन, मतलब आपको कंडीशंस को अरेंज करना है ऑफ लर्निंग दैट आर एक्सटर्नल टू द लर्नर, जो लर्नर के लिए क्या है, बाह्य है। रॉबर्ट एम गेने ने कहा यह क्या है, कथन है रॉबर्ट एम गेने। मेरे ख्याल में आपको कितने क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत डिटेल में डिस्कस हो चुका है पिछले लेक्चर्स में, हमने बात की थी प्रोग्राम लर्निंग के बारे में, इसके अंदर मैंने एक लीनियर बताया था, एक ब्रांच बताया था, ठीक है, आपको याद आ रहा होगा लीनियर किसने दिया था, इसका नाम बताओगे आप, ब्रांच किसने दिया था ये भी आप नाम बताओगे, ठीक है, और ये किससे रिलेटेड था, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप ही करोगे क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है क्लासेस के अंदर पीछे, डे वन से लेकर अगर डे सेवन तक देखा, इसको तो बहुत डिटेल में किया था, रेखीय अनुबंधन सिद्धांत। लीनियर वाले में मैंने बोला था एक ही लाइन में या एक ही तरह से सीखते हैं सभी लर्नर, ठीक है,
तो मेरे ख्याल में आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, ज्यादा टाइम मैं आपका खराब नहीं करूंगा, एग्जाम आपका पास में है तो पढ़ते रहिएगा, ऑल द बेस्ट। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ कंसेप्ट के साथ मिलेंगे अगली बार। अब तक हमने 40 क्वेश्चन ऐसे लगाए जो कि फैक्चुअल बेस्ड थे, अब हम आएंगे फिर से एक बार कुछ कंसेप्ट और क्लियर करेंगे। धन्यवाद।